हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार इस श्रद्धा की यूट्यूब चैनल श्रद्धा व्लॉग्स में स्वागत है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आज मेरी आंटी हमारी गाय से दूध निकालने वाली है। तो आप गाय से दूध निकालने का तरीका देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, ताकि आपको भी पता चले कि गाय से दूध कैसे निकलता है। अभी मेरी आंटी ने हमारी गाय से दूध निकालना शुरू कर दिया है, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी गाय से दूध निकालती है। गाय का दूध हमेशा बाल्टी में ही निकाला जाता है, क्योंकि बाल्टी में निकालने से कोई तकलीफ नहीं होती। आपने देखा ही होगा, सभी लोग भैंस या गाय का दूध हमेशा बाल्टी में ही निकालते हैं। गाय का दूध निकालना बहुत ही मुश्किल काम माना जाता है, जो आज मेरी आंटी कर रही है। हमारे गांव में रोज सुबह और शाम ऐसे ही गायों और भैंसों से दूध निकाला जाता है, जिसमें सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे दूध निकाला जाता है। हमारे वहाँ सभी गायों और भैंसों का दूध मेरी आंटी को ही निकालना होता है, जो बड़ी आसानी से ये काम कर देती है। और दूसरे लोगों को हमारी गायों और भैंसों दूध निकालने नहीं देती। मेरी आंटी बहुत सही तरीके से हमारी गाय से दूध निकाल रही है, जो आप इसके हाथ से अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरी YouTube चैनल श्रद्धा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो, और पास में दी गई घंटी भी दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही गायों और भैंसों की वीडियो देखने मिल सके। तो अभी मेरी आंटी ने हमारी गाय से काफी सारा दूध निकाल दिया है, जो आप देखते हैं वीडियो में। हमारी गाय भी आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से खड़ी हो गई है दूध देने के लिए बिना हिले। गाय से दूध निकालना बहुत मुश्किल माना जाता है, इसलिए बड़ी सावधानी से दूध निकालना होता है। आप देख सकते हैं मेरी आंटी ने आधे से भी ज्यादा दूध निकाल दिया है। अभी कुछ ही देर में मेरी आंटी हमारी गाय से दूध निकाल के खड़ी हो जाएंगी, जो आपको देखने मिलेगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से मेरी आंटी ने हमारी गाय से दूध निकाल दिया है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को श्रद्धा का नमस्कार।